हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। एनवीएस पीजीटी वैकेंसीज में अगर आप पीजीटी कॉमर्स से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सिलेबस है। तो आपको बता दूं, टोटल 180 क्वेश्चंस का पेपर आता है, जो 180 मार्क्स का ही होता है। 180 क्वेश्चंस का पेपर होता है और उसमें 120 क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन सब्जेक्ट्स के होते हैं, जिसका सिलेबस ऑलरेडी अपलोड किया जाता है जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट अफेयर, जीके से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। सभी डिटेल सिलेबस आपको दे रखा है, वहाँ से आपको फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ देख सकते हैं मेरे कोर्सेज, जो आपके एनवीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, करंट अफेयर। तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ज़रूर फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐप डाउनलोड कीजिएगा और सर्च कीजिएगा प्रतीक्षा आचार्य। अगर आप पीजीटी से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये सिलेबस है पीजीटी कॉमर्स का। अगर आप पीजीटी कॉमर्स से अप्लाई करते हैं तो इस सिलेबस के आधार पर ही, इस सिलेबस में से ही आपके जो 60 क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तो आपको यही सिलेबस तैयार करना है, तो जिसमें सबसे पहले है पार्ट वन, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जिसमें कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल बिजनेस, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल सेक्टर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटर्स, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड इट्स इंफॉर्मेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑनरशिप में प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर, पब्लिक एंटरप्राइजेस, रोल डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, मल्टीनेशनल कंपनीज, जॉइंट वेंचर्स। बिजनेस सर्विसेज के अंतर्गत बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस सर्विस, ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, फ्रेंचाइजी, ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, EPG SEZ, इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशन एंड एग्रीमेंट्स, WTO, UNCTAD, वर्ल्ड बैंक, IMF। देन बिजनेस फाइनेंस में सोर्सेज, ओनर एंड बोरोड फंड, सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, GDR, ADR, डिबेंचर, बॉन्ड्स, रिटेन प्रॉफिट, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बैंक्स, क्रेडिट रेटिंग एंड रेटिंग एजेंसीज, ट्रेड क्रेडिट एंड माइक्रो क्रेडिट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस एथिक्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। देन मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, लेवल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जनरल एंड साइंटिफिक। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपसे पूछा जाएगा मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बिजनेस अ फ्यूचरिस्टिक विजन। मैनेजमेंट फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। बिजनेस फाइनेंस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग, स्कोप, रोल एंड ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत मनी मार्केट, नेचर, इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, स्टॉक एक्सचेंज, NSEI, OTCEI, प्रोसीजर्स एंड SEBI। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HR में आपसे मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, मैन पावर एस्टिमेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। मार्केटिंग में मीनिंग, फंक्शन एंड रोल, लेवल ऑफ मार्केटिंग, चेंजिंग फैक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट मिक्स, मॉडल ऑफ मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स में
इंडिविजुअल बिहेवियर, मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस, पर्सनैलिटी परसेप्शन, लर्निंग एंड एटीट्यूड, लीडरशिप एंड इट्स अप्रोचेज, कम्युनिकेशन, ग्रुप डायनमिक्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट में बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, टोटल क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी सर्कल्स, बेंच मार्किंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन एंड ISO, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मीनिंग इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर्स राइट, कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लीगल रेडरेशल विद स्पेशल रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs. देन पार्ट टू में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पूछा जाना है, जिसमें जो भी आपने बेसिक पढ़ा है, जैसे अकाउंटिंग में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश एंड एक्यूरल बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, देन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आएगा, जिसमें वाउचर्स, ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग इक्वेशंस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंड स्पेशल पर्पस बुक्स, लेजर पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, then account for depreciation, provisions and reserve bills of exchange, not-profit organizations, partnership firms, reconstitutions of partnership, admission, retirement, death and dissolution, account of incomplete records, consignment and joint ventures. अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज में शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ अलॉटमेंट, फॉर फीचर्स एंड री इशूज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, टाइप इशू एंड मेथड ऑफ रिडेम्पशन, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशंस, then financial statement analysis, meaning, significance, limitation, tools for financial statement analysis, comparative statements, common size statements, trend analysis, accounting ratios, fund flow statement and cash flow statements, meaning, objective preparation as per revised standard issued by ICAI, cost accounting, nature, function, job costing, process costing, marginal costing, cost volume profit relationship, cost control and cost reduction techniques, computers in accounting mein, introduction to computers and accounting information, system application of computers in accounting, automation of accounting process, designing accounting reports, MIS reporting, data exchange with other information system, ready-made, customized and tailor-made accounting system. Then accounting and database management system, meaning concept of entity and relationship in an accounting system, database management system DBMS in accounting, inflation accounting and accounting for human resource of an organization and social responsibility. यहाँ पर ये सिलेबस एंड हो चुका है पीजीटी कॉमर्स का, तो कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, तो आपने जो भी 11 से या ग्रेजुएशन से कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट किया है, वहाँ से ही आपको ABCD से सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप उन्हीं बुक से तैयारी कर सकते हैं, और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको सिलेबस आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, और आप एक बार मैं ही PDF निकाल कर उस सिलेबस को अपने पास रखें, जिससे कि आप सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी जल्दी जल्दी करते जाएं। अभी के लिए इतना ही, कोई भी डाउट क्वेरी है तो पूछ लीजिए कमेंट में, और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।